हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ना? क्वारंटाइन में सब ठीक ठाक चल रहा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। तो बात करते हैं नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द नेटवर्किंग। व्हाट इज नेटवर्किंग? नेटवर्किंग क्या होता है? नेटवर्किंग का मतलब होता है कि जैसे कि एक सिस्टम मल्टीपल सिस्टम से कनेक्टेड हो, या एक सिस्टम दो या दो से ज़्यादा सिस्टम से कनेक्टेड हो, उसे नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है, तो नेटवर्किंग में आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कुछ ऐसे है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। नेटवर्किंग में दिया हुआ है कि कैसे नेटवर्किंग होता है। इसमें कंप्यूटर नंबर ए है, कंप्यूटर नंबर बी है, कंप्यूटर नंबर सी है, किसी डिवाइस के थ्रू कनेक्ट हुआ है, उसे हम या तो हब कहेंगे। तो नेटवर्किंग दो प्रकार का होता है, एक तो वायर्ड नेटवर्किंग होता है और दूसरा वायरलेस नेटवर्किंग होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेटवर्किंग जो है एक वायर्ड होता है और जो एक वायरलेस होता है। तो कैसे वायर्ड होता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए इसमें, क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए नेटवर्किंग में, वायरलेस में, अनवर्ड के लिए कौन कौन सी इक्विपमेंट चाहिए, कौन कौन सी डिवाइस चाहिए, कौन कौन सी डिवाइस नहीं चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले हम सबसे जान लें कि नेटवर्किंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, हमारे पास क्या एडवांटेज है नेटवर्किंग का। तो देखा जा सकता है यहाँ पे दिया हुआ, ऐसे भी आप हम लोग नॉर्मली बता सकते हैं नेटवर्किंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। नॉर्मली खासकर हम लोग नेटवर्किंग के फ़ायदे आजकल जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक नेटवर्किंग का फ़ायदा ही, बेनिफिट ही है। तो नेटवर्किंग, उसके अलावा इसमें बुक में दिया हुआ आपके इफिशियंट यूजर्स एंड स्टोरेज मीडिया। जैसे कि हमारे पास एक कंपनी है, वो क्या करती है कि एक मेन सर्वर रखती है। ठीक है, तो नेटवर्किंग दो तीन टाइप होता है, पीयर टू पीयर होता है और सर्वर क्लाइंट होता है। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ एक सर्वर क्लाइंट के बारे में। तो एक कंपनी है, वो क्या करती है, एक मेन सर्वर रखती है और सर्वर के साथ साथ बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट कर देती है, ताकि वो क्लाइंट है। तो बाकी जितने भी, जैसे कि जो भी लोग होते हैं जो अपने डेटा सेव करते हैं, वो सीधे के सीधे सर्वर पे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास जो है स्टोरेज जो है एक इकट्ठा स्टोरेज है, वही यूजर्स जो है 10 सिस्टम पे जो है, वही जो भी हमने स्टोर किया है उसको जो है 10 सिस्टम से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फ़ायदा है। इसके अलावा जो है बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं जो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में लिखा हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेटवर्किंग कंपोनेंट्स में। जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो नेटवर्किंग में क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, जैसे नेटवर्किंग जब हम करेंगे तो नेटवर्किंग में जैसे कि नेटवर्क कार्ड होना चाहिए, जिसको हम ईथरनेट कहते हैं। ईथरनेट कार्ड, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क कार्ड बैकग्राउंड में, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका नेटवर्क जो है नेटवर्क कार्ड है। ठीक है, इसको हम लोग नॉर्मली ईथरनेट कार्ड कहते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए एक नेटवर्किंग केबल जो सिस्टम क्या करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है। उसके अलावा मॉडेम होता है, उसके बाद जो है आपको हब्स एंड स्विच होता है, और दूसरा उसके बाद इसमें और भी कुछ चीज़ें दी नहीं है। तो अब हम बात करते हैं नेटवर्किंग कार्ड का। ठीक है, तो नेटवर्किंग कार्ड जो है कंप्यूटर के जो है पीछे हिस्से में लगाया जाता है, जिसमें एक ईथरनेट नेटवर्क केबल, जिसमें क्या कहते हैं उसको कनेक्ट करते हैं, एक कनेक्टर होता है जिसको RJ45 भी के नाम से जानते हैं, वो आपको आगे में भी मिले पढ़ने को। ठीक है, तो नेटवर्क कार्ड जो है, ये आपका नेटवर्क कार्ड है जो पीछे लगता है, जिसमें एक स्विच आता है और स्विच में उसको लगा देते हैं। अब नेटवर्किंग केबल का मतलब होता है, जैसे कि नॉर्मली हमारे यहाँ जैसे डिश टीवी होता है, डिश टीवी में एक केबल आता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा नेटवर्किंग केबल। एक केबल आता है, एक वायर्ड आता है, जिसको हम नेटवर्किंग केबल कहते हैं, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे दिया हुआ है। ठीक है, ये नेटवर्किंग केबल दो टाइप का होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, एक टेलीफोन के लिए होता है, तो उससे टेलीफोन वाला थोड़ा पतला होता है, और ये जो है एक इंटरनेट के लिए खासकर होता है, जो उससे थोड़ा सा मोटा होता है, जिसको RJ45 यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था पहले भी, यहाँ पे मेंशन बुक में भी आपके मेंशन है RJ45 के नाम से। ठीक है, अब आता है मॉडेम। मॉडेम का काम क्या होता है? ठीक है, मॉडेम का काम होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, जैसे कि एक हमने एक सर्वर लिया, सर्वर से जो है मैं चाहता हूँ 10 सिस्टम को कनेक्ट करूँ, तो सर्वर सबसे पहले मेरा मेन नेटवर्क जो है, तो जो मेरा मेन वायर होगा वो एक सर्वर में आएगा। सर्वर से जहाँ से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, जहाँ से बांटने वाले हैं, उसे हम क्या कहते हैं,
एक मॉडेम कहते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे जितने भी सिस्टम्स, उसमें एक मेंस शेयर होगा जिसमें हम लगाएंगे, उसके बाद उसके अलावा जो है 8 या 10, इसमें इसके अकॉर्डिंग आठ आता है, 16 आता है, 32 आता है, ये पॉड्स आते हैं, जितने होंगे उसने हम क्या कर सकते हैं उसको शेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास हब्स एंड स्विच, जो देख सकते हैं हब्स एंड स्विच मॉडेम एंड हब स्विच में कुछ खासा अंतर नहीं होता है, बट हब्स एंड स्विच भी एक टाइप का जो है डिवाइडर है, जो क्या करता है नेटवर्क, जो जैसे कि वाईफाई कनेक्शन लेते हैं तो वहाँ पे भी उसमें काम आता है हब एंड स्विच का, ठीक है। ये भी क्या करता है, आपको कनेक्ट करता है, मीन डिवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि वाईफाई राउटर जिसको कहते हैं, ठीक है। राउटर में क्या होता है, राउटर थोड़ा सा इससे अलग होता है, या इसको स्विच कह सकते हैं या हब कह सकते हैं। राउटर में क्या होता है कि हम लोग एक मेन वायर लाते हैं जो सीधे के सीधे हम क्या करते हैं राउटर में इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद हमारा राउटर क्या करता है, वो एक्सेस कर देता है, वहाँ से वो अपना जो है जो नेटवर्क जिसको जो फ्रिक्वेंसी छोड़ना होता है वो फ्रिक्वेंसी वहाँ से रिलीज करता है। उसके बाद जैसे हम लोग नॉर्मली हॉटस्पॉट ऑन करके जो आपस में शेयर करते हैं, वैसे ही एक राउटर होता है, बट इसकी भी एक लिमिट होती है। लिमिटेशन तो आप बुक में दिया नहीं हुआ, अप्रॉक्स आई थिंक 1 मीटर या फिर 10 या 20 मीटर के करीब में होता है इसमें, जो हम खासकर जो है कंपनी वगैरह में देखते हैं इसको ही करने लगा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने तो अभी पढ़ लिया कि नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग को हम कैसे जो है कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, हम कैसे शेयर करते हैं नेटवर्क। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के कितने टाइप्स होते हैं। वैसे मेनली देर आर 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन होता है, पैन होता है, मैन होता है, वैन होता है, बट लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था कैन, क्लस्टर एरिया नेटवर्क, बट इस बार आपको बुक में नहीं दिया हुआ है, इसमें आपको पैन दिया हुआ, पर्सनल एरिया नेटवर्क दिया हुआ है, उसके बाद जो है आपका लैन दिया हुआ है, ठीक है। ये लैंड दिया हुआ, लोकल एरिया नेटवर्क दिया हुआ है, मैन दिया हुआ, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दिया है, एंड वाइड एरिया नेटवर्क दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, मैन लैंड का फुल फॉर्म क्या होता है, मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, और वैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैन के बारे में। तो पैन एक्चुअली होता क्या है, पैन का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे कि हम क्या करते हैं आपस में हॉटस्पॉट शेयर करते हैं, या छोटा सा एक जो है वाईफाई, या छोटा वाईफाई जो जियो का आजकल देता है, वहाँ घर में बैठ करके 10 लोग कनेक्ट होते हैं, तो वो हम पैन करते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क करते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं वाईफाई से किसी चीज़ को शेयर करते हैं, जैसे शेयरिंग हो गया, वो भी एक्चुअली वाईफाई से ही शेयर होता है, तो उसको भी हम लोग पैन के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो है लैन, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पैन का जो है कितना दिया हुआ है, हमारा पैन जो है अप्रॉक्स 30 फीट का दिया हुआ है, 30 फीट के जो दायरा होता है उसमें हम क्या करते हैं आपस में शेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे हर चीज़ दे रखा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें दे रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको लैन कहते हैं, ये लैन एक्चुअली होता क्या है। तो ये लैन जो है जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी में क्या करते हैं कि एक ही मेन कनेक्शन लिया जाता है, उसके बाद जो वो बिल्डिंग में या फिर उस एरिया में जो है वो क्या करते हैं उसी कनेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करके जो है एक ही ईमेल एक ही आईपी से या फिर उसको तोड़ तोड़ करके जो क्या करते हैं स्मॉल एरिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो लैन कहलाता है, ठीक है। और मैन इज़ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क। मैं इसको थोड़ा सा उल्टा मैं समझा रहा हूँ, मैं वैन से चल रहा हूँ, ठीक है। वैन क्या होता है, मैन क्या होता है, और लैन क्या होता है, और फिर पैन क्या होता है, ठीक है। तो अब उल्टा समझा रहा हूँ, जैसे कि वैन, एक सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि नेट इंटरनेट जो है हमारे यहाँ आया था अप्रॉक्स 1995 में, ठीक है, 15 अगस्त 1995 में इंडिया में जो है इंटरनेट का जो इंटरनेट लॉन्च हुआ था, इंटरनेट आया था बाय वर्ड आया था समुद्री रास्तों से, तो उसको छोड़ देते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिर इस क्लास में कभी बात करेंगे। फिलहाल जो है जो इंटरनेट कनेक्शन जो हमारे दूसरे देश से हमारे यहाँ आया, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वैन, इट्स अ वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, या फिर हाँ उसी को हम क्या करेंगे वैन कहेंगे। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, उसको हम शेयर करते हैं, जैसे हमारे यहाँ कनेक्शन कितने आते हैं, एक कनेक्शन आया होगा,
ठीक है। अब इस एक कनेक्शन को हमने, एक जो इंडिया में एक कनेक्शन आया उसको हमने शेयर किया, शेयर किया जैसे हमने शेयर कैसे किया, शहर वाइज शेयर किया, जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया में हमने शेयर किया, ठीक है, हर एक छोटे छोटे उस शहरों में हमने क्या किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उसको हम लोग कहेंगे मैन, ठीक है। एक देश में जो है बहुत सारे बंटना शुरू हो गया तो एक शहर में जाता है, शहर के बाद जो है छोटे लोकल एरिया में जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द लैंड। लैंड जो है अप्रॉक्स 1 किलोमीटर का उसका दायरा होता है, या फिर स्मॉल एरिया दिया हुआ है, तो ये हमारा है। उसके बाद जो है लैंड के बाद आता है आपका पैन, पैन जो जो पहले जिस क्या जो पहले मैं बता चुका हूँ, पैन का मतलब होता है पर्सनलिटी नेटवर्क, जो हम लोग अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट शेयर करते हैं, पैन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से आप इसको पीछे बैक करके देख सकते हैं, अदरवाइज आप एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से वापस आपको इसको बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेटवर्किंग, जैसे नेटवर्क आता है हमारे यहाँ, ठीक है, अब इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, नेटवर्क कैसे हम कनेक्ट करते हैं, ये भी बात होती है। जैसे कि मैंने बताया कि आप क्या कर सकते हो कि नेटवर्किंग कर सकते हो अपने डिवाइस में, जैसे सर्वर क्लाइंट होता है, क्लाइंट सर्वर होता है, मैंने बताया कि ऑफिस में मेन इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं, उसके बाद उसी को शेयर करते हैं, तो कैसे शेयर करेंगे। सो उसका दो कनेक्शन होता है, दो टाइप होता है, देर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग आर्किटेक्चर। तो इसमें दिया, फर्स्ट वन इज अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, सेकंड वन इज अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये थोड़ा सा मैं बता दूँ, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है एंड पीयर टू पीयर क्या होता है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर में होता है कि एक मेन जो है हमारे पास एक मेन एक सिस्टम होता है जिसमें थोड़ा सा उसकी कॉन्फ़िगरेशन हाई होता है, जिसका MB, जिसका स्टोरेज हाई होता है, जिसमें स्टोर सारी चीज़ें स्टोर करते हैं। उसके बाद जो है इसी सिस्टम से बाकी अनदर सिस्टम कनेक्ट होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं। और जो मेन सिस्टम जहाँ पे हम नेटवर्क लगाते हैं, नेटवर्क कार्ड यूज़ करते हैं, वो हमारा होता है सर्वर कहलाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये सर्वर हो गया, उसके बाद जो है यहाँ से हर चीज़ शेयर हुआ, वो सारे के सारे क्लाइंट हो गया, जैसे प्रिंटर शेयर करना हो गया, जैसे एक ही प्रिंट से काम हो गया, वो तो आपको बेनिफिट मैंने बताया था कि मेरे पास ज़्यादा उसमें कॉस्ट वगैरह नहीं लगता, अब पढ़ लीजिएगा बुक में पीछे क्या दिया था, ठीक है। तो जैसे प्रिंटर, हमारे पास एक ही प्रिंटर है, एक ही स्कैनर है, तो हम क्या करते हैं सर्वर क्लाइंट से हम उस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम होता है, इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर मेरा सर्वर जो है ख़राब हो जाता है, सर्वर जो है हैंग कर जाता है, तो इसके कारण जो बाकी क्लाइंट्स जो है वो काम नहीं करता है, ये सब के सब बैठ जाते हैं। लेकिन पीयर टू पीयर नेटवर्क थोड़ा सा अलग होता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब होता है इसमें जो है हर एक सिस्टम को एक्सेस करने के मतलब अधिकार होता है, दे कैन एक्सेस अनदर सिस्टम। जैसे कि अब वो सर्वर क्लाइंट में क्या होता है कि क्लाइंट जो है सर्वर को जो है सर्वर में जो जो चीज़ें सर्वर शेयर करता है वो देखता है, बट क्लाइंट जो है सर्वर के अंदर क्या क्या चीज़ें वो चेक नहीं कर सकता है, बट सर्वर जो है क्लाइंट के हर चीज़ चेक कर सकता है, वहाँ से चाहे तो उसका जो है सिस्टम ऑफ़ कर सकता है, ऑन कर सकता है। बट पीयर टू पीयर कनेक्शन में सबका इक्वल शेयर होता है, जैसे कि सिस्टम नंबर वन मेरे पास अगर 10 सिस्टम है तो सिस्टम नंबर वन है, मैंने पीयर टू पीयर कनेक्शन किया है, तो सिस्टम नंबर टू को देख सकता है, 3 को देख सकता है, 5 को, जितनी भी चाहे वो सबको देख सकता है, ठीक है। इस तरीके से सारे सिस्टम नंबर टू भी 1 को देख सकता है, 5 को, 3 को, जो भी मर्जी को देख सकता है, बट सर्वर क्लाइंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं जब हमारे पास आर्किटेक्चर रेडी है तो नेटवर्किंग टोपोलॉजी, ठीक है। तो कैसे हम कनेक्ट करेंगे नेटवर्क को, कैसे हम कनेक्ट करेंगे सिस्टम को, ये सारी चीज़ें इसमें आपको आगे है, मैं अभी आपको बता ही देता हूँ, आज ही ये एक ही लेक्चर में सोच रहा हूँ कि इसको ख़त्म कर दूँ। तो फर्स्ट है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, अगर हमारे पास दो सिस्टम है तो हम आसानी से एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बस में एक सीट कैसे होता है, बस में सीट होता है कि एक सीधा सा रास्ता जाता है, ठीक है, एक सीधा सा रास्ता जाता है, उधर से एक सीट इधर होता है, दो सीट इधर होता है, दो सीट इधर होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक मेन वायर जो है बीच से जाता है, उसके बाद जो है
है, कनेक्शन जो होते हैं आधे कनेक्शन इधर होते हैं, आधे कनेक्शन लेफ्ट साइड, आधे कनेक्शन राइट साइड होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एक वायर है मेन, यहाँ से इधर कनेक्टेड है, ये इधर कनेक्टेड, ये इधर कनेक्टेड, इधर कनेक्टेड, इधर कनेक्टेड है। अब बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का मतलब होता है कि जैसे एक मेन सर्वर, जैसे मैंने पहले बताया था सर्वर क्लाइंट का, तो यहाँ पे एक मेन, ये मेरा मेन सर्वर हो गया। अब इसी सिस्टम से ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी, यानी सारा सिस्टम एक ही सिस्टम से कनेक्टेड हो, उससे हम क्या कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। इस सब के अलग अलग फ़ायदे हैं, जैसे कि मैंने बताया था पीयर टू पीयर कनेक्शन, वो तो बता चुका था मैंने। जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में क्या होता है कि एक सिस्टम ख़राब हो गया तो इसके वजह से दूसरा सिस्टम भी नहीं चलेगा, लेकिन बस टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता। अगर मेरा ये वाला सिस्टम ख़राब हो गया तो इससे बाकी चारों पे या बाकी अदर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि अगर ये मेरा सर्वर मेन जो है सिस्टम बीच वाला ख़राब हो गया तो इससे क्या होता है बाकी सारे सिस्टम पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो बाकी सारे सिस्टम चलेंगे नहीं। तो वैसे ही सेम होता है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सिस्टम जो है कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होता है कि सारे सिस्टम को कनेक्ट होता है। जैसे कि ये सिस्टम हमारा हर चारों से, चारों पांचों से कनेक्टेड है। इसमें भी थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है, अगर ये ख़राब हो गया तो बाकी ये चारों कनेक्टेड होते होंगे, बाकी ये वाला नहीं कनेक्टेड। ये भी ऐसा कुछ नहीं जिसमें दो कनेक्टेड, मान लिया फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसमें जो है आपका ये ख़राब हो गया और ये ख़राब हो गया, तो ये वाला सिस्टम काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें हर सबके अलग अलग एडवांटेज हैं, सबके अलग अलग डिसएडवांटेज हैं। एक होता है आपका ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी थोड़ा सा बेटर होता है। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है कि अलग अलग हम एक सेंट्रल हब लगाते हैं, सेंट्रल हब लगाने के बाद उसके बाद तीन चार भागों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, वहाँ से जो है ये हमारे पास शेयर होता है। अगर ये वाला हब ख़राब हो गया तो सिर्फ ये वाला पोर्शन काम नहीं करेगा, तो बाकी सारे के सारे काम करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें भी एक प्रॉब्लम है, सेंटर हब ख़राब हो गया तो इसमें सारे के सारे जो है प्रॉब्लम आएगा, बट ये आसान होगा हमें पकड़ने में कि कहाँ से सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोपोलॉजी है, जैसे कि हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं एक और चीज़, एक और है मेस टोपोलॉजी है। मेस टोपोलॉजी कुछ इस तरीके से है जो मैंने पहले बताया था पीयर टू पीयर कनेक्शन में, कि एक सिस्टम जो है सारे सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, तो वो मेस टोपोलॉजी में आता है, ओके। लास्ट पॉइंट इसमें है कि एक्सेसिंग अ फाइल फ्रॉम द शेयर्ड ड्राइवर। अब कैसे हम किसी फाइल को एक्सेस करते हैं, ये बहुत ही ईजी है। जैसे कि किसी फाइल को हम अगर सर्वर एंड क्लाइंट है तो हम क्या करेंगे, एक सर्वर में जो है किसी चीज़ को शेयर कर देंगे। पार्टिकुलर वहाँ पे शेयर का ऑप्शन आता है, हम शेयर करेंगे। उसके बाद शेयर करने के बाद नेटवर्किंग में वहाँ पे जाएंगे, जैसे क्लाइंट में नेटवर्किंग में जाएंगे तो मुझे वही चीज़ दिखाएगा जो हमने क्लाइंट से सर्वर से शेयर किया है। बट हम चाहें तो क्लाइंट क्या करता है कि उसके जो भी ड्राइवर को सेव किया गया है, शेयर किया गया, वो चाहे तो वहाँ से अपने सिस्टम से जो है डायरेक्टली सेव कर सकता है अपने सर्वर में, ठीक है। अगर ये आई थिंक कि हम लोगों का चैप्टर ख़त्म हो चुका है, इसके बाद आपको कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, और ट्रोपोलॉजी क्या होता है इसका, ठीक है। इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे हम जो है शेयर करते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग टाइप्स कितने होते हैं, तो एक बार फिर से मैं, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, लैन, पैन, मैन एंड वैन, याद रखिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।